ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾ ਚੋਰੇ ਕਨੀਆ ਲਾਲਾ ਤੈਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ ਕਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਬੋਲੇ ਚਲ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਮੁਖ ਖੋਲ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਜੋ ਕਣ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ है ना डॉक्टरों का कहना भगवान को कैल्शियम की कमी जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी होती है ना वही मिट्टी ज्यादा खाते हैं तो उनको कैल्शियम की दवा पिलाते हैं या पेट में कीड़े हो ये भी एक बात आ जाती है साइंस के हिसाब से तो भगवान तो जगत के पालनहार है उनके पेट में तो संसार के सारे जीव जंतु ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उनके मुख में तो पेट में तो पूरा संसार ही है तो कोई बड़ी बात नहीं बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हो सकते हैं हम आप भी उनके पेट में कीड़े मकोड़े जैसे रहते बाहर कर दिए सो आके पृथ्वी पर अवतरित हो गए भगवत कृपा ने किए किए कदा क्रीडमानस्ते राम अध्यापो पदारका कृष्णो मृतम भक्षित वाणित मात्रे निवेदन अपमान करते कभी तो मैं उनको क्षमा कर सकूं भगवान अपने आप को बचपन से ही क्षमाशील बना रहे हो सकता है कभी गुरु और शिष्य में ऐसी बात आ जाए गुरु पता चला भैया हम तो गुरु जी हैं शिष्य जाने अनजाने में कोई गलती कर दे तो उसका मतलब ये नहीं है क्षमा कर और जो बड़े होते हैं ना उनको क्षमावान बनना ही चाहिए अगर अपने आप को बड़ा बनाने की हम सोचे संसार में हमारी प्रशंसा हमारी पढ़ाई हो तो सबसे पहले एक आभूषण हमारे हृदय में आना चाहिए एक गहना आना चाहिए जिसका नाम है क्षमा I'm gonna go get some more.
करे हो ना, बहुत अच्छे महाराज जी हमारे। हाँ वही रजनी सही पत्नी, वृंदावन गार्डन वाली पत्नी।